हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत बढ़िया हैं। सो आज एक और फंक्शन के लिए मैं एकदम तैयार हूँ, और वान्या भी तैयार है। वान्या सी हेलो, हेलो, हाउ आर यू? हाय, आर यू? एक्चुअली ना ससुराल में रहने के बाद रिपीट कर रही है मेरी बात को। एक्चुअली ना ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद दीदी पहली बार घर आई हैं अपने, मतलब मेरी ननद जो है ना वो पहली बार घर आई हैं। सो पूजा वगैरह है, सत्यनारायण की कथा है, सुहागिल वगैरह हैं, और आज शनिवार है ना इसलिए सुंदरकांड भी है, तो वो सारी चीज़ें हैं उनके घर पर। सो बस हम सभी को जाना है, मैं तैयार हूँ। 11 बज रहे हैं अभी सुबह के, निकलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या अभी रह गई हैं। देखूंगी, शूटिंग करूंगी और दीदी का लुक भी बताऊंगी कैसी लग रही है शादी के बाद पहली बार वो। सो सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको इस ब्लॉग में। सो आगे तक देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है मेरी, क्योंकि ना सुबह से पता नहीं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उठी हूँ तब से। गर्मी बहुत है ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बट चलिए चलते हैं, दिखाएंगे सारी चीज़ें आप सभी को। और वानू को ये वाली जो फ्रॉक है वान्या की, वान्या Look at here. ये फ्रॉक इसको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बेटा मुझे कैंची लगाएगी क्या? सीजर रख दो, मैं मर जाऊंगी। तो इसको ये फ्रॉक बहुत पसंद आ रही है, जब से शादी कंप्लीट हुई है काफी बार पहन चुकी है। जब भी बोलो कि कपड़े पहना दे तो बोलती है यही फ्रॉक पहनना है, क्योंकि लूज है, काफी कंफर्टेबल है। सो उसको पसंद आ रही है और मैंने भी नहीं रोका, पहना दिया उसको। ठीक है, उसको पसंद है तो पहन लेगी आराम से। अभी बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो हम लोग अपनी अपनी चॉइस के ही कपड़े हमेशा पहनाते रहते हैं, और ख़रीदने भी जाते हैं तो अपनी चॉइस के ही दिलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को जो पसंद है वो भी पहना देना चाहिए कभी कभी। कौन सा क्या बड़ा वो हुआ जा रहा है उसमें। और मुझे ना, वानू इधर आओ, मुझे ये हेयर क्लिप्स वगैरह का बहुत ज़्यादा, अरे ऐसे तो करो, बहुत ज़्यादा शौक है हेयर क्लिप्स हेयर बैंड्स का। बट क्या कर सकते हैं, हमारी बानू के तो हेयर ही नहीं है इतने ज़्यादा, इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी मैं लाती रहती हूँ और अपने शौक पूरे करती रहती हूँ। बट देखिए निकाल दी उसने, निकाल निकाल के फेंक देती है ऐसे ही। रख दो उसको बेटा, आपके बालों में लगाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। हम लोग पहुंच गए हैं और जो सत्यनारायण की कथा है वो तो कंप्लीट हो गई है, आप देख ही रहे हैं। बट सुंदरकांड अभी चल रहा है। और ये देखिए हमारी ब्राइड बैठी हुई है यहाँ पर। आफ्टर मैरिज का पूरा लुक उनका ये है, और अपने पतिदेव से कर रही हैं वीडियो कॉल, और मावर लगा रही है मामी जी उनके पैरों में। सो बस वहीं रूम में मैं भी हूँ। आराम से साड़ी अच्छी लग रही है, दिखाएंगे ना तैयार अच्छे से। ये दिखा रहा है मुझे, ये चांदी का है, उनको नहीं दिखा रही, उनको नहीं दिखा रही। अच्छा नहीं, मैं जो कह रही हूँ मीटिंग में हर चीज की बना लेता हूँ। Oh,
करो सीता करो सोच आज दिवस भी थे मुझे मारे ने सोच मकर हमने मंगल हारे दरबार दशरथ अज बिहारी दासन बोली कजोरी मात मन संकट नहीं मोरे राम कर वे गो पाई दुसही प्रेम नहीं सह जाई हारी मान रज चिता बनाई माथे अनल कुटुंबी हो न भाई सत्य करे मोती सयाने सुनि कुलम ने मोर संभवाने सुनि बचन मद बे समझाए करो बचाओ मद सुदत सुनाए कब कितनी विचारे दीन मोर पड़ावे जनि अशोकी लाज दीन हर सब कर गयो मंगल भवन कंप्लीट करने के बाद अब हम सभी लोगों को खाना खिलाएंगे जो भी सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जो सुहागल वगैरह हैं उन सबको उसके बाद हम सब लोग भी खाना वगैरह खाएंगे। अब हम लोग घर पर जा रहे हैं फ्रेंड्स और वानु रो रही है एज यूजुअल बहुत गर्मी हो रही है ना बहुत गर्मी है टेम्परेचर इतना हाई हो गया अभी कुछ दिनों से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे ही मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है आपको बताया ही था। सुबह से मैं चेंज करती हूँ फटाफट ये हैवी हैवी कपड़े और ये सब चीज़ों में तो और थकावट सी होती है। मानू अभी नीचे है ऊपर आई नहीं है वो कमरे में मैं चेंज कर लेती हूँ वरना आ जाएगी तो बड़ा परेशान करेगी वो। फिर करते हैं बातें आप सभी से। ला रही हूँ देखिए वान्या अपनी दादी का चश्मा ले आई है वो चश्मा मांग रही है नीचे और ये चश्मा लगा रही है। ये देकर आओ आप लेकर क्यों आई उनका चश्मा नहीं। उनको देकर आओ वापस यहाँ तो शक्ल तो दिखाओ दादी अम्मा लग रही हो नहीं लगाते बेटू वापस कर दो नहीं। कर दो वो गुस्सा कर रही है नीचे नीचे से आवाज लगा रही है वो बुला रही है इसको वानू शाम का वक्त हो गया 5:30 बज गए हैं। बस अब मैं रूम वगैरह ठीक करूँगी बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। देखिए मेरी साड़ी पड़ी हुई है वहाँ पर और नीचे में भी सब फैला हुआ है क्योंकि वहाँ से आने के बाद तो ना बस
चेंज करके मैं लेट गई थी थोड़ा बहुत देर, सोई तो नहीं हूँ बट हाँ ये थोड़ा रेस्ट किया था, फिर चाय वगैरह बनाई है, अभी फ्री हो गए हैं। वानू दे दो वो चश्मा, दे दो ना वो चश्मा, दे दो ना, बाय कर लो। बाय फ्रेंड्स बोलो, यहाँ नहीं मुझको दे दो। बाय फ्रेंड्स, किसी कर दो। सो बस फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को कर देती हूँ एंड यहीं पर। आई होप आपको पसंद आया होगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।